warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs. Hey guys, welcome back to my channel. So, आज मैं प्रेजेंट हूँ पटना के TVS शोरूम पे और यहाँ पे प्रेजेंट है अपाची 310RR। और इसके बारे में बहुत कमेंट आ रहा था कि इस पर एक वीडियो शूट करिए, तो फाइनली एक वीडियो लेके आ रहे हैं। दोनों कलर प्रेजेंट है यहाँ पे, रेड वैन ग्रे पे। और इसकी जो लुक है BS6 जैसी, जो BS4 है उसकी जैसी ही है, थोड़े से नॉर्म्स चेंज है, उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हो फ्रंट में वाइजर आप देखोगे काफ़ी अच्छा खासा दिया, स्मार्ट एक्स कनेक्ट भी दिया हुआ है इसमें, ब्लूटूथ भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। नीचे में आपको वाइट स्ट्रिप पे एक छोटा सा आपको हॉर्स का एक मोनोग्राम दिख जाएगा, मतलब स्टैम्प है। और बाई प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है फ्रंट के। तो इस बाइक स्टार्ट है ये वाली ग्रे वाली, तो उसको दिखाते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हो वो DRL हो गए प्रोजेक्टर। नीचे आते हैं तो गोल्ड में USD फोक्स दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा ABS यानी कि डुअल चैनल ABS में प्रेजेंट है इस दोनों पे। फ्रंट का टायर आपको मिशलिन का मिलता है। टायर डायमेंशन जो है वो 110x70 का टायर है, 17 इंच का अलॉय है। फ्रंट का ब्रेक्स आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है और डुअल चैनल ABS प्रेजेंट है। गोल्ड का फोक्स दिया हुआ है और मिशलिन के टायर है। ऊपर आते हैं फेयरिंग पे तो RR310 यहाँ पे लिखी हुई है रेड कलर पे। और ये रहा LED इंडिकेटर, तो इंडिकेटर स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो काफ़ी अच्छी लुक आ रही है इंडिकेटर की भी। और फ्रंट फेस आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मस्कुलर लग रही है। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अपने फ़ोन से, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा शेक करे वीडियो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज कुछ काम से मैं आया था पटना, फाइनली मेरे को दिख गया तो बहुत कमेंट आ रहा था, तो फाइनली इस पर वीडियो शूट दिख कर रहे हैं। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है आप लोग से। बॉडी देख सकते हो पूरी प्रेजेंट है। और नीचे में आपको यहाँ पे देखोगे डू नॉट ब्लॉक का एक लिखा हुआ है, इस साइड देखोगे यहाँ से आपकी एयर इनटेक होगी, ये आपका रेडिएटर हो गया। और नीचे में डुअल हॉर्न सेटअप दिया हुआ है अंदर में ही। बॉडी देखो आप, DOSC लिखा हुआ है वहाँ पे, और अपाची की स्टिकरिंग देख सकते हो आप RR310 की। हैंडल्स पे आते हैं तो ये रहा पास लाइट हाई बीन लो बीन के लिए, ये हज़ार लाइट का ऑप्शन दिया है, मतलब आप चारों इंडिकेटर जला सकते हो इससे। और बहुत सारे कीज़ दिए हुए हैं, तो हज़ार लाइट वगैरह आप लोग देख लिया। अब हैंडल पे आते हैं तो क्लिप ऑन हैंडल है, काफ़ी फाइन फिनिश दी गई है आप जैसा देख सकते हो। यहाँ पे पास लाइट मिलते हैं हाई बीन लो बीन के लिए, ये आपको हज़ार लाइट जैसा मैंने बताया था। और बहुत सारे सेट का ऑप्शन है इसमें, चार मोड है, अर्बन, रेड, ट्रैक एंड स्पोर्ट मोड, तो सबके बारे में बताएंगे। यहाँ पे आप सेट में क्लिक करके देखोगे राइड मोड आ सकता है आपका, अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स, ट्रैक, और सबका अलग अलग पावर है, फिगर्स हैं, तो वो भी बताएंगे। ट्रिप डिटेल आप देख सकते हो इससे, जो TFT स्क्रीन है काफ़ी अच्छा है, पूरी फ़ोन जैसी लग रही है, जैसे आपको दिखेगा कैमरे पे कि एक फ़ोन रखा हुआ है यहाँ पे। आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आप देख सकते हो, सर्विस वगैरह, फिर यहीं से बैक करके प्रेफरेंस वगैरह आप देख सकते हो, किलोमीटर रेंज भी आपको दिख जाएगा, एयर कूलिंग कितनी है वो भी दिख जाएगा। और ये जो TFT स्क्रीन है, मतलब समझो कंप्लीट जैसा लग रहा है कि एक फ़ोन ऐसे करके यहाँ पे रखा हुआ है, और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है उसका। ये वाली जो फिनिश है इसकी वाइज़र की, तो आपको पूरे प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लो फ्यूल इंडिकेट कर रहा है, और ये न्यूट्रल का लाइट हो गया, ये इग्निशन का ऑप्शन इधर दिया हुआ है, इग्निशन, सेल्फ एंड कट स्विच दोनों साथ में दिया हुआ है, सेल्फ स्टार्ट। तो अभी स्टार्ट करके बाइक सुनाते हैं, साउंड इसकी साउंड काफ़ी सही आ रही है। तो टैंक पे आते हैं, 11 लीटर्स का टैंक है, और टैंक कट भी काफ़ी अच्छा दिया, पूरा मस्कुलर टैंक है। और यहाँ पे आप हॉर्स का लोगो देख सकते हो, रेड वाली टैंक भी काफ़ी अच्छी लग रही है, और इस पर वाइट कलर के यहाँ पे रेडियम्स वगैरह के वर्क किए हुए हैं। टैंक जो सिल्वर वाली है उसकी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और नीचे में आप चेचिस देख सकते हो, रेस पेक्स के साथ रेड कलर पे चेचिस प्रेजेंट है। पीछे जो मोनोशॉक दिया हुआ वाइट कलर का है दोनों में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नीचे स्विंग आर्म आप देख सकते हो, और ये रहा गियर साइड स्टैंड, और ये आपका फुटरेस्ट है, और पीछे का फुटरेस्ट जो है वो लॉक हो सकता है। रियर टायर की बात करते हैं तो उसकी ग्रिपिंग बहुत ही अच्छी है, 150x60 का टायर है, और 17 इंच का अलॉय है। और रियर मडगार्ड जो है उसकी फिनिश भी काफ़ी अच्छी दी गई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसकी जो आइकॉनिक पूरी डिज़ाइन दी गई है एक साइड से और एक साइड में नहीं है, तो जो डोकाटी आती है V4S पेनिगली उसकी तरह पूरे डिट्टो लग रही है, मतलब उसकी जैसे लाइट लग रही है, डिट्टो नहीं लग रही है। यहाँ आप लोग देखो रेयर का
इसमें भी आपको ABS दिया गया है और डुअल चैनल ABS है। बैक में आप देख सकते हो टेल लैंप इसकी काफ़ी खूबसूरत दी गई है जो रात को बहुत ही अच्छा व्यू आएगी। लाइट रेफ इंडिकेटर वगैरह भी आप देख सकते हो और वो एक सिंगल हैंड ग्रैब रेल यहाँ पे आपको दिया गया है। और सीट जो है आगे की काफ़ी चौड़ी है और पीछे थोड़ी सी छोटी सीट है और इसके अंदर में टूल किट रखा हुआ है तो इसे खोलने नहीं जा रहे अभी और आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा बैठने में। बाकी आई एम रियली सॉरी कि मेरा वीडियो बहुत हिल रहा है कॉज फ़ोन से शूट करने का आदत चला गया है। GoPro से शूट करते हैं, इनविजिबिलिटी उस पर दी हुई है, इस पर नहीं दी है तो आई एम रियली सॉरी। बट बहुत कमेंट आ रहे थे RR 310 पे वीडियो बनाने के लिए तो फाइनली लेते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब इंजन की बात करते हैं तो इंजन डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके इसका 312 cc का है, लिक्विड कूल इंजन है। 4 मोड्स दिया गया है जैसे मैंने बताया और चारों पे अलग अलग पावर फिगर्स है। जैसे स्पोर्ट्स एंड ट्रैक मोड पे आपको 32 PS का पावर मिलता है, 27.3 Nm टॉर्क, और यही पावर डिक्रीज हो जाती है आपके अर्बन एंड रेन मोड में 25.8 PS तक, और 25 Nm का टॉर्क मिलता है। और टॉप स्पीड जो इसकी कंपनी क्लेम करती है वह 160 km/h, तो आप लोग देख सकते हो 300 cc की बेस्ट है, आप लोग ले सकते हो। 3 lakh का इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स तो बेस्ट रहेगा ये। इसका जो ऑन रोड प्राइस है पटना में वो है 295,734 rupees, मतलब अप्रॉक्स 3 lakh जो मैंने बता रहा था आपको। और इनका शोरूम का डिटेल्स वगैरह मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना। और यहाँ पे 2 colors है BS6 में अभी अवेलेबल है जब मैं वीडियो शूट करूँ, ग्रे एंड रेड पे, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब चलिए वीडियो एंड करते हैं, होप सो पसंद आया होगा। अब एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, इतने दूर आके बनाए हैं। चलिए वीडियो एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।